हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं चने की दाल और बैंगन की सब्जी। तो चलिए, हमें चने की दाल और बैंगन की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा कप दाल ली है। दाल को 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और मैंने आधा किलो यहाँ पर बड़े वाले बैंगन लिए हैं, 1 टमाटर लिया है और 1 नींबू लिया है सब्जी को थोड़ा सा खट्टा करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ये सारी सब्जियां हम काट लेंगे। और मैंने यहाँ पर चॉप किया हुआ लहसुन 1 चम्मच, चॉप किया हुआ अदरक 1 चम्मच और 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं, प्याज का पेस्ट लिया है। बाद में हम सब्जी में ये भी डाल देंगे। तो चलिए, अब हम बैंगन को काट लेते हैं। तो बैंगन का डंठल हम हटा देंगे और नीचे से भी थोड़ा सा बैंगन हम काट देंगे। बैंगन के 2 हिस्से करके हम छोटे छोटे पीसेस में बैंगन को काट के तैयार कर लेंगे। और हम बैंगन को साथ ही साथ चेक भी करते जाएंगे, कोई भी कीड़ा या फिर बैंगन ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये भी हम चेक कर लेंगे कि बैंगन के जो बीज हैं वो कड़वे, मतलब कि पके हुए ना हो, नहीं तो जो सब्जी है कड़वी बनेगी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने सारे बैंगन काट कर तैयार कर लिए हैं। अब हम टमाटर को भी काट लेंगे। नींबू को भी हम काट के रख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर गैस को ऑन कर लेते हैं और गैस को हम कम कर देते हैं। कुकर को गर्म कर लेंगे और यहाँ पर हमने 1 चम्मच सरसों का तेल लिया है, तेल गर्म हो गया है। 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1/4 चम्मच हम हींग डाल देंगे और चॉप किया हुआ लहसुन अदरक और हरी मिर्च भी डाल देंगे। लहसुन अदरक हरी मिर्च को हम आधा मिनट के लिए मीडियम गैस पर भून लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर लहसुन भुन गया है। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच प्याज का पेस्ट भी ऐड कर देंगे, 1/4 चम्मच हम यहाँ पर कश्मीरी मिर्च डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और 1/2 चम्मच हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मसाले को हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम टमाटर भी डाल देंगे, टमाटर को हम 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। टमाटर भून गया है, अब हम यहाँ पर दाल भी डाल देंगे। दाल को हम पहले डालकर मसाले में 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो दाल है थोड़ी सी पहले ही पक जाए। उसके बाद हम बैंगन को सब्जी में डालेंगे, क्योंकि बैंगन बहुत सॉफ्ट होता है, थोड़ी सी देर में ही बैंगन पक जाएगा। दाल थोड़ी सी टाइट है तो टाइम लेती है। अब हम यहाँ पर 1/2 कप पानी डाल देंगे। पानी डालकर हम दाल को 5-6 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। तो ये देखिए, 5-6 मिनट हो गई हैं। ये देखिए, यहाँ दाल थोड़ी देर हमने पका ली है। अब हम यहाँ पर जो हमारे बैंगन हैं वो ऐड कर देंगे दाल में। बैंगन को हम बाद में ही डालेंगे, क्योंकि बैंगन हम पहले ही डाल देंगे तो बैंगन का अच्छे से जो भुरता होता है वो बन जाएगा। बैंगन को घोटना नहीं है, इसलिए मैंने बैंगन बाद में डाले हैं। अब दाल के साथ बैंगन आराम से अच्छे से पक जाएंगे और सब्ज़ी भी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी और डाल देंगे, 1 कप पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि सब्ज़ी ना ही हमें ज़्यादा गाढ़ी करनी है और ना ही पतली। अब हम यहाँ पर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 3 सीटी लगा देंगे। 3 सीटी आने के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे
तीन सीटी आ गई हैं, गैस को बंद कर देंगे और कुकर को हम ठंडा होने रख देंगे। कुकर ठंडा हो गया है, सीटी निकल गई है। अब हम यहाँ पर कुकर को खोलकर देख लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सब्जी बहुत अच्छी बन गई है और दाल बैंगन अच्छे से मिक्स हो गए हैं। तो ये देखिए, मैं आपको दाल तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखिए दाल कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। हम सब्जी को यहाँ पर थोड़ा सा और टेस्टी कर देते हैं। नींबू का रस डाल देंगे ताकि जो दाल और बैंगन की सब्जी है बहुत ही बढ़िया लगे खाने में। नींबू का रस डालकर दाल और बैंगन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम सबसे लास्ट में गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला हम यहाँ पर 1/4 चम्मच डालेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे चने की दाल और बैंगन की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। हम सर्व कर लेते हैं। चने की दाल और बैंगन की सब्जी आप चावल, रोटी, पराठा किसी के भी साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया लगती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए दोस्तों, मैंने तो यहाँ पर अपनी थाली तैयार कर ली है। आप लोग भी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।